तो विशेष सत्र में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर संसद के विशेष सत्र के एजेंडे में आखिर वो कौन कौन से बिल शामिल है जिन पर चर्चा होनी है। ग्राफिक्स वॉल के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है एजेंडे में बिल शामिल है वो है अधिवक्ता संशोधन बिल 2023। दूसरे की बात करें तो प्रेस और पत्रिका पंजीकरण बिल 2023। तीसरा डाकघर विधेयक 2023। चौथा मुख्य एजेंडा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल जो है दरअसल एजेंडे में शामिल है। ये कहा जा रहा है कि इन तमाम बिलों पर चर्चा की जाएगी। संसद के विशेष सत्र के दौरान आज सुबह 11 बजे से दोनों सदनों में चर्चा शुरू होगी। ये चर्चा आजादी के 75 सालों की संसदीय यात्रा पर थी। आजादी से अब तक की महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों पर सांसद अपने विचार रखेंगे। इतना ही नहीं, लोकसभा में पहले विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता बोलेंगे और फिर सरकार की तरफ से पहले वक्ता बीजेपी सदस्य दल के मुख्य सचेतक राकेश सिंह होंगे। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये चर्चा शाम 6 बजे तक चलेगी और इस चर्चा में पीएम मोदी भी लोकसभा में बोलेंगे। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। दावा यह किया गया था कि संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही नए भवन में ही चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मॉनसून सत्र के दौरान पुराने भवन में ही कार्यवाही चली। अब सरकार विशेष सत्र में कई बिलों को लाने की तैयारी में है। इस सत्र को लेकर लोगों के मन में हजार सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली ये सरकार सरप्राइज करने के लिए मानी जाती है। पिछले 9 साल में सरकार ने कई ऐसे बिलों पर मोहर लगवाई जिसके बारे में किसी को खबर तक नहीं थी। 2019 के चुनाव के तुरंत बाद मॉनसून सत्र में बिना किसी शोर शराबे के सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश कर सबको चौंका दिया। कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छिना तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, मॉनसून सत्र कुछ वक्त पहले ही खत्म हुआ है और शीतकालीन सत्र आने वाला है, लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में सरकार की मंशा क्या केवल पुराने से निकलकर नए भवन में गृह प्रवेश करना भर है, या फिर कई ऐसे बिल हैं जो सरकार के खजाने में और वो इस सत्र के दौरान उन्हें पेश कर पास कराने की तैयारी कर रही है। अधिवक्ता संशोधन विधेयक, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, डाकघर विधेयक और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त सेवा शर्त बिल, इन सब के अलावा भी कई ऐसे बिल हैं जिनको पास कराने की सरकार की कोशिश रहेगी। साथ ही संसद के विशेष सत्र का ऐलान होने के बाद से ही ये चर्चा है कि महिला आरक्षण विधेयक से लेकर समान नागरिक संहिता और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिल भी आ सकते हैं। विपक्ष की जातिगत जनगणना के दांव की काट के लिए सरकार रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की दिशा में कदम भी बढ़ा सकती है। यानी सरकार की लिस्ट में कई ऐसे बिल हैं जो इस सत्र में हर किसी को सरप्राइज कर सकते हैं। संसद के विशेष सत्र पर हर किसी की नजर टिकी है। लोगों के जहन में कई तरह के सवाल है कि ऐसा क्या है जिसके लिए सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ा और वो कौन से फैसले हैं जो इस विशेष सत्र में लिए जाने हैं। तो इन सवालों का जवाब आज हम आपको बताएंगे। इकतीस अगस्त को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 5 दिन के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की जानकारी दी। विपक्ष ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को सार्वजनिक किए जाने की मांग की। 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक के लिए मोदी सरकार ने सभी दलों के सामने पूरे प्लान को रखा। मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में 4 विधेयक पारित करने वाली है। इन 4 में 2 बिल ऐसे हैं जो मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की बाधा पार कर चुके हैं और अब लोकसभा में पेंडिंग है। वहीं 2 विधेयक ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार ने राज्यसभा में पेश तो कर दिया था,
लेकिन ये मॉनसून सत्र के दौरान पारित नहीं हो पाए थे। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023। मॉनसून सत्र के दौरान अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हो गया था, लेकिन यह बिल लोकसभा में फिलहाल पेंडिंग है। मॉनसून सत्र के दौरान इस बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में पेश किया था। इस बार विशेष सत्र में इस बिल को एजेंडे में शामिल किया गया। इस बिल में सरकार को कानून की पढ़ाई और प्रशासन में परिवर्तन के लिए कदम उठाने के अधिकार का प्रावधान है। साथ ही आजादी के पहले के अधिनियमों और अप्रचलित कानून खत्म कर लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 को निरस्त करने, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने का भी प्रावधान है। प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023। प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 या द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023 का उद्देश्य समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद डिजिटल मीडिया भी निगरानी के दायरे में आ जाएगा। इस बिल को मॉनसून सत्र में राज्यसभा में पेश किया जा चुका है। अगला है डाकघर विधेयक 2023। मॉनसून सत्र के दौरान सरकार ने 10 अगस्त को राज्यसभा में डाकघर विधेयक 2023 पेश किया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। ऐसे में विशेष सत्र के दौरान सरकार इस बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। विधेयक पास होने के बाद डाकघर के पास विशिष्ट डाक टिकट जारी करने का विशेष अधिकार होगा। साथ ही अधिकारियों के पास इमरजेंसी कंडीशन में शिपमेंट खोलने और रोकने का अधिकार भी होगा। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त सेवा शर्त बिल। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सरकार ने चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विधेयक पेश किया था, जिसमें प्रावधान है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता या फिर सबसे बड़े दल के नेता भी इस समिति में होंगे। प्रधानमंत्री का यह अधिकार होगा कि वो कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री को समिति का सदस्य नामित कर सकेंगे, जिसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। इन तमाम बिलों को पास कराने के इरादे से इस विशेष सत्र को बुलाया गया है। साथ ही सरकार की मंशा है कि पुराने भवन की जगह सदन की कार्यवाही को नए भवन में चलाया जाए और इसलिए गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त देखकर संसद को शिफ्ट किया जा सके। इस विशेष सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। इसके साथ ही किसी भी सदन में प्राइवेट बिल पेश नहीं होगा। तो आज से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। संसद में चलने वाले सत्र में चर्चा हो रही है।